आज तो इतना कहूंगी कि कुदरत का असूल है कि सच जितनी चाहे देर से सामने आए लेकिन सच सामने आता है। वो कहते हैं ना कि ट्रूथ विल प्रिवेल एंड फॉल्सहुड इज बाउंड टू पेरिश। तो सच अल्लाह ताला एक ना एक दिन सामने लाता है और झूठ जो है उसको मिट जाना होता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये होगा ज़रूर, मुझे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है। और जब फैसला होगा उसके बाद मैं अपने केस पे आपसे बात करूँगी, वो वाली बातें भी करूँगी जो पिछले 5 साल जब से ये केस 2017 से चल रहा है जो मैं नहीं की, मैं अब करूँगी इंशाअल्लाह। जी देखिए, उन पे जो भी दफा लगे, चाहे वो दहशत गर्दी की हो या वो तौहीन अदालत की हो या वो एक जज को ललकारने की हो, उसको डराने की हो, उसको धमकाने की हो, उन पर जो भी दफा लगाई जाए वो हर दफा में कन्विक्ट होते हैं, क्योंकि वो ये पूरी दुनिया के सामने कर चुके हैं। इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बुली है और उसका उसने तरीका ये अपनाया हुआ है कि जहाँ पर उसकी उसके ऊपर मुश्किल आती है उसका तरीका ये है कि उसको ललकारो, उसको धमकाओ, उसको डराओ और अपना रास्ता साफ करो। तो ये चीज़ अदालतों को डिस्करेज करनी चाहिए, क्योंकि ना ये मुल्क के लिए अच्छी है, ना ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छी है, ना ये कौम के लिए अच्छी है, ना ये इदारों के लिए अच्छी है। जी इमरान खान बहुत ज्यादा की बात कर रहे हैं, उनकी बयानी में फिर एक एग्रेशन आ गया, क्या मियां साहब की तरह ये एग्रेशन कुछ मुफाहमत के तहत खत्म हो जाएगा या रहेगा? आप क्या फरमा रहे हैं? तो फिर बेचैनी भी लगी, फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दी इमरान खान साहब की, तो ये क्या वजह है कि वो चकवाल पहुंचे तो फिर वो जो खामोशी इख्तियार की थी वो दोबारा जो है उसमें तेजी आ गई? तो ये चकवाल की जमीन का वो पानी था इस किस्म का जिस वजह से उनको आर्मी चीफ की तैनाती बड़ी जोर से याद आई? नहीं नहीं, वो जमीन का पानी नहीं है, वो कुछ ऐसे लोग जो उनके स्टेज पे भी बैठे हुए थे वो वाला नेक्सस है। और मैंने कल अपनी ट्वीट में वो कह भी दिया था, लेकिन देखें चकवाल के जलसे के अंदर कुछ बातें बहुत प्रोमिनेंट थी। मैं इमरान खान के बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि वो नॉन इशू है, वो एक ऐसा इशू है जिसको हमें सबको डिस्कार्ड करके पाकिस्तान के रियल इशूज़ पे फोकस करना चाहिए। हाउ एवर वो बहरूपिए की जो जो मुनाफकत है ना उसको पाकिस्तान की कौम के सामने एक्सपोज करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो कल मैंने कुछ चीज़ें नोट की, मैं उस अजाब से उनकी जो तकरीर है उसको सुनने के अजाब से गुजरना पसंद नहीं करती, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि वो इन्होंने अभी जो फरमाया कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई खौफ के बुत तोड़ दो, क्या अपने लोगों को वो कह रहे थे कि खौफ के बुत तोड़ दो और ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो जाओ, अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ, तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं वहाँ सामने खड़ी होती तो मैं ये सवाल करती कि आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर थर कांपती, आप कहते हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए? मरियम आपके दौर में, और फिर वो ये कहते हैं, एक और बात भी देखें, उन्होंने कहा कि ये खबरें टीवी पे आई कि उन्होंने इस चीज से उनको बुरा लगा ये कि उनके जो पार्टी के लोग हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं और वो खुफिया मुलाकातें करते हैं। तो मैं तो पहले सबसे ये पूछूंगी कि वो उन्होंने कहा कि मुझे बता के मुलाकातें हों, तो आपने कभी पार्टी को बताया कि आप किस किस से खुफिया मिलते और क्या क्या बातें करते? जब धरने में लोगों को आपने 2014 के बाद जो धरना था उसमें आपने लोगों को कहा कि उंगली उठने लगी है, ये हो गया है, वो हो गया है, हम आज़ादी के लिए आए हैं, और जनरल रहील शरीफ ने बुलाया तो हंसते हंसते निकल गए, वो धरने के लोगों को बता के गए थे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और मैं खुद कहाँ रात को छुप के किसके पास अंधेरे में मुलाकात के लिए जा रहा हूँ? तो अपनी पार्टी से आप वही बात करें जो आप खुद करते हैं। ये नहीं हो सकता कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पांव पड़ जाएं, ये नहीं हो सकता। आपके दौर में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की जगह खलाई मखलूक और महकमा ज़राअत के
नाम लिए जाते थे और आपने भी यहाँ खड़े होकर कहा था कि आपके लोगों को टेलीफोन कॉलें आ रही हैं और धमकियां आ रही हैं, तो अब जो इमरान खान साहब ने ये इल्जाम लगाया टेलीफोन कॉलों का, तो आपकी हुकूमत क्या इन टेलीफोन कॉलों के हवाले से कोई तहकीकात करवाना चाहेगी? भाई हमने तो सबूत दिए, नाम भी लिए, सबूत भी दिए और कॉल्स, अब ये जो बात कर रहे हैं, मुझे तो अल्लाह ताला की कुदरत पे कभी बहुत वो भी होता है, इंसान को ख्याल तो आता है कि कल जो कॉल्स करवा रहा था, कल जो ये सारी अखाड़ पिछाड़ करा रहा था, आज अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं और ये कॉल्स को मना कर दो। और जब तुम लोगों को कॉल्स कराते थे तब हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियाँ भी आती थी, लेकिन हमने फेस किया, दो महीने बाद हमारा इनकलाब फौत नहीं हो गया। अब इन कॉलों की तर्दीद कर रही हैं आपकी हुकूमत है? भाई मैं तो ये बिल्कुल है, तो सबूत ले आओ सामने, ये एक्स वाई जेड क्या होता है, एबीसी पढ़नी शुरू कर देते हो, है तो सबूत ले आओ ना। बताइएगा कि पंजाब में कहा जा रहा है कि तहरीक अहमदाबाद की तैयारी आप ला रही है, उनकी तैयारी की सीधी सी बात यह कि आपको यहाँ पर इंतहाई शान तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है, इसकी बुनियादी वजूहत क्या है? ये जो आपने पंजाब की बात की, देखें वो अदालती हुकूमत है, वो नाजायज हुकूमत है, उसको इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन खत्म होना है, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर। जी कोई तरह बात के हवाले से तैयारियां कॉल दे दी गई है, क्या आप लोग पावर के जरिए उनको रोकेंगे या फिर कोई डायलॉग या फिर मुजाकरात के जरिए मामला को टैकल डाउन करने की कोशिश करेंगे? देखिए लॉन्ग मार्च हमने भी किए, बाकी जमातों ने भी किए, मैं जमहूरियत की हामी हूँ, मैं जमहूरियत में जमहूरी राय का एहतराम करती हूँ, लेकिन ये बात जमहूरी जमातों के लिए और ये जमहूरी लीडरान के लिए, जो इंसान जत्थे लेकर आ जाए और कभी वो कहे कि प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से निकालो, मार मार के पुलिस वालों की हड्डियाँ तोड़ दें और फिर जनरल राहील शरीफ से मुलाकात करने रात के अंधेरे में हंसता हंसता निकल जाए, और उसके बाद वो जब कहे कि मैं इलेक्शन की डेट लेने आ रहा हूँ तो पूरे इस्लामाबाद को नजर आतिश कर दे और जो इमलाक हैं उनको नजर आतिश कर दे और जत्थे लेकर हमला आवर हो कि मेरी बात अगर नहीं मानी तो मैं आग लगा दूंगा, मैं इसको ना जमहूरी जमात समझती हूँ, ना जमहूरी रवैया समझती हूँ, ना जमहूरी लीडर समझती हूँ। उनको लॉन्ग मार्च की ज़रूरत थी, कुछ थी, तो उसके एक तरीके होते हैं, आप धमकाने के लिए नहीं कर सकते। और फिर वो सारा जो नैरेटिव दिया था उन्होंने कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, मुझे अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, बैनुल अक्वामी साजिश कर दी, आज उन्हीं लोगों को बुला के उनसे मिल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि मेरे दोबारा से ताल्लुकात जो है वो बहाल कराओ, तो किधर गई वो साजिश जिसके नतीजे में हमने ये इनकलाब देखा था, गुलामी की जंजीरों से आज़ादी, इनकलाब लेके आ रहा हूँ, तो वो इनकलाब तो राणा सनाउल्लाह के डर से निकला ही नहीं। एक सेकेंड, और उसके बाद आप देखें वो चलता हुआ वहां से कि मेरे खिलाफ खत आ गया, साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी, इंपोर्टेड हुकूमत आ गई, ये हो गया, और अब क्या बात है, अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे आके सारी बात रुक गई कि मेरे पसंद का चीफ अपॉइंट करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है वो मलाइन कर दूंगा, उनके चेहरे स्याह कर दूंगा। ये रवैया एक जमहूरी इंसान का रवैया, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि ये कोई जमहूरी इंसान का रवैया कि मेरे पसंद की अगर बंदा नहीं आया तो मैं सबके चेहरे दागदार कर दूंगा। उनमें से ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां कुर्बान की हैं, दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, इस ओहदे तक पहुंचे, तो बात ये। और ये जो के नवाज शरीफ को नहीं अपॉइंट करना चाहिए, जरदारी को अपॉइंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी चोरी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो बात ये है कि अपनी भी इमरान खान साहब की चोरी, वो जो हीरों का हार था वो पकड़ी गई थी, तो असल में ये अपनी चोरियों को छुपाना चाहते हैं, बात और कुछ नहीं, वो याद है ना हीरों का हार जो चोरी हुआ था, तो ये सब जो है ना, ये ड्रामा है और ये पूरी दुनिया जानती है भाई। इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात होनी चाहिए थी, लॉन्ग मार्च के इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात, भाई मैंने तो यही बात की, मैंने तो बिल्कुल यही बात की है कि जो मुलाकात की है रात के अंधेरों में, अगर की है तो बताओ ना कौम को, अपनी जमात को बताओ, अपनी को कमेटी को बताओ कि मैं किससे मुलाकात करके आया हूँ, तुम बताते हो अपने लोगों को जो वो तुम्हें बताएं। मैंने ये बताया कि राणा शमीम के जब वो आया था एफिडेविट, तब आपने कहा था कि ये मैं बता रही हूँ
मैं बता रही हूँ जी, आप कुछ कह रहे थे शहीद के हवाले से। आज जब उनका एफिडेविट वाला मामला आया था, सारा कुछ आया था, तो आपने यहीं पे खड़े होकर कहा था ये कुदरत का कानून है, फतह हुई है, सच की फतह हुई है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आप अपना माफी मांग ली और वापस ले लिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जो भी किया मुझे नहीं पता उसके पीछे मुहरिकात क्या है, लेकिन एक राणा शमीम की गवाही नहीं है उसमें, उसमें गवाहियों के अंबार लगे हुए हैं, उसमें जो वफात पा गए हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, जज अरशद मलिक से लेकर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उन्होंने वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, वो सब कुछ की वीडियोस बनी हुई हैं, लोगों ने देखी हैं, सुनी हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो उन्होंने लाइव किए थे लोगों के सामने, दुनिया ने सुने, तो आप किस किस की गवाही को जुटलाएंगे? और जिस तरह ये नैब ने फरार इख्तियार किया है मेरे केस में, अभी नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे, उनके केस में भी दूध का दूध पानी का पानी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इंसाफ की जीत होके रहनी है। लेकिन फिलहाल जो मेरे केस में नैब की ने जो फरार इख्तियार किया है, उसका मतलब यही है कि जो कुछ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने फरमाया था, जो जज अरशद मलिक ने कहा, जो राणा शमीम साहब ने कहा, वो हूबहू सच है, 100% सच है, उसको कोई जुटला नहीं सकता। वरना अगर कोई सबूत है तो सामने रख। किसी के, और वो मैं एक बात बता दूं, वो जिसके लाडले हैं ना, वो इमरान खान को लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते हैं। थैंक यू। एक मिनट, मुझे उनका सवाल लेने दें। आपने महंगाई मार्च के ऊपर बताना मुझे वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी का उस पर मैं बात नहीं करूंगी, मैं अपनी बात करूंगी और मैं सारी कौम की बात करूंगी। बात यह है कि बजाय इसके कि जावेद लतीफ साहब पे मुकदमा बने या बाकियों पे बने, आप अपनी बात तो देखें, आप क्या क्या रहे। आप कभी कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह से मैं कौम को आज़ाद करूंगा, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से लोगों को आज़ाद करूंगा, ये आप किस किस्म की जबान बोल रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि 1,40,000 पैगंबर आए हैं दुनिया में, कभी आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अपनी सियासी जिद्दोजहद में निकाल लेते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देने के लिए नबी नबूवत दी थी, इसी तरह मेरे जिम्मेदारी। आप क्या बातें करते हैं? ये आप क्या ऑल फॉल बकरे हैं? आपको अंदाज़ा भी है या आपकी मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि आपको ये पता नहीं है? और अगर स्लिप ऑफ टंग भी है तो फिर भी आपको शर्म आनी चाहिए। एक इंसान जो अवाम से खिताब कर रहा है, अवाम के जहनों में अपनी बात डाल रहा है, उसको 10 दफ़ा रिहर्स करके, ख़ास तौर पर जब मजहब का मामला आए तो 10 दफ़ा सोच के एक बात कहनी चाहिए, फिर आप स्लिप ऑफ टंग कह के भाग नहीं सकते। तो ये इजाज़त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ खान साहब को है कि वो जो चाहे कुफर बकें, ऑल फॉल बकें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और उस पर इतराज़ उठाने वाले को सजा मिलती है या उस पर मुकदमा दर्ज होता है। मैडम एक खातून साफी फौजिया शहर के घर में डकैती, मैडम एक खातून साफी फौजिया शहर के घर में आज डकैती पड़ी है रात को, उन पर तशद्दुद भी किया गया है मीडिया टाउन में, उसके हवाले से हम चाहेंगे कि आप अपने पार्टी की तरफ से भी कोई मौका जरूर दें। मैं उसकी मजम्मत करती हूँ, मैं राणा सनाउल्ला साहब से अभी कहूँगी गाड़ी में बैठ के इस केस को टेकअप करें और देखें कैसा क्यों हुआ। देखिये, मैं पहले भी इस चीज़ पे कॉम्प्रिहेंसिवली बात कर चुकी हूँ, मैं उनको बिल्कुल इस चीज़ में एग्जोनरेट नहीं करती कि बिजली के बिलों में जो इजाफा हुआ है वो आवाम की कुव्वत से बाहर है, उस पर आवाम को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा है और पड़ रहा है महंगाई की वजह, लेकिन महंगाई की वजह शहबाज शरीफ साहब नहीं, महंगाई की वजह वो IMF का मुआहदा और इमरान खान की 4 साल की नालायकी और नाअहली है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी आजकल जो है वो इस पोजिशन में है कि उसको ठीक करने की कोशिश के बावजूद भी अभी वो
ठीक नहीं हो सक रही, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो चार साल की नाअहली और नालायकी, इसके दूरस्थ नतीजे होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला संभल जाएगी, लेकिन इसका जो जिम्मेदार है, इसका जो मुजरिम है, उसका नाम है इमरान खान। शुक्रिया, थैंक यू। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।